आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। अब सुबह के बजे हैं 5 और अंधेरा है यहाँ पे, और मैं गाड़ी से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ कहाँ पे, आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और लास्ट तक आप लोगों को पता चल ही जाएगा मैं कहाँ पे जा रही हूँ, और आप लोगों के लिए सरप्राइज है। तो वही चलते हैं, और चाय पानी हम पी के आए हैं, नहा धो के आ गए हैं, तो निकल गए हैं घर से बाहर, गाँव से भी बाहर निकल चुके हैं, तो चलते हैं। दिन निकल चुका है भाई, तो सूरज तभी निकला नहीं है, पर दिन निकल गया है। निरो पानी से खेतम पैं भरे उसे, एक तो ऊपर पानी है, ऊपर से बारिश हो रही है। दीदी बोल रही है जिस दिन से सावन लगा है ना, उस दिन से बारिश हो रही है। देखो सही फसल ना हुआ है, वो भी पानी भरे हो। देखो पद पहुंच गए हम, सोनीपत सोनीपत पहुंच गए। 4 किलोमीटर है सोनीपत, फिर जाएंगे पानीपत, मूर्थल 11 किलोमीटर। तो अभी सूरज भी निकल आया है, बेटा सो रहा है यहाँ पे, नींद आ गई। सुबह 4 बजे उठे थे, तो बेटा भी 4 बजे उठ गया था, तो ये सास बच्चा है तो दोबारा से नींद आ गई, सो रहा है, एंजॉय करते हैं सोते सोते। बहुत लंबो पड़ जाए मूर्थल, तो सोनीपत की सिटी है। सब्जी भर रखी है, फूल भर रखे है, फूल है हाँ, सजाने का चीज है। पानीपत आ गया है, और पानी तो पहला युद्ध हुआ था किसी और किस और किसके बीच में हुआ था, अकबर और किसके मुगल को, और गई बैस बाड़ी में। और क्या भाई, सोनीपत आज तक सुना सुना था भाई, सोनीपत आज, सोनीपत का शहर भी अपनी नजरों से देख लिया है। अरे पानी बिल्कुल हुआ था अकबर और बालू लोधी में, बालू लोधी में सही बोला उन्होंने, है पापा सही बोला, अम्बाला है 114, चंडीगढ़ 152, पानीपत आ चुका है। हम शिमला पहुंच गए हैं, और शिमला में देखो फोग, वो बोलते हैं बच्चे उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। हम तो भाई पानीपत से निकले हैं अभी, और एरिया का पता नहीं चल रहा कौन सा एरिया पहुंचे हैं, पर यहाँ पे फोग बहुत बुरी तरह जमी हुई है यहाँ पे। ना फोन नहीं टूटा, अच्छा दो तो स्क्रैच आ गए, अच्छा एक बिना आई है। मौसम होने के लिए होने का ना हरियाली बहुत जोर की हो रही सूर है। जलंधर कैंट क्षेत्र में पहुंच गए हैं, और चल ही रहे हैं अभी तो। बस मैं तो इन हरियाली को देख देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ, इतना हरा भरा हो रहा है, मौसम अच्छा है ना इसलिए, बिल्कुल धूप दिखाई नहीं दे रही, बादल हो रहे हैं, शायद आज धूप अभी दिखाई दे, बारिश भी आ सकती है, काले बादल वहाँ पे, काले भी है धोले भी है सब कैसे। पर सूट कुछ खास पसंद नहीं आए, जी नहीं किया सूट लेने का, तो यहाँ पे सेल भी लगी हुई थी 500 की, वो भी हमने नहीं पसंद आए, अजीब अजीब से जे हिसाब से बोल रहे थे वही हिसाब से कपड़े नहीं है। यहाँ पे गए थे हम, नहीं हुआ, और उस साइड मार्केट और है, तो हम यहाँ पे बैठे आराम से एक अंकल जी से बात कर रहे हैं, तो आराम से अंकल जी भी जा चुके हैं। बेटा भी बोर हो लिया, और मैं भी बोल रहा हूँ। पीपड़ी से कुरुक्षेत्र पीपड़ी में आए हुए थे हम, और फौजी का काम हो गया है, ईब निकले हैं हम, अब देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम, बीच में कहीं रुकेंगे तो आप लोगों को बताएंगे जरूर। तो अच्छा लगा, और मैं शॉपिंग करना चाह रही थी, शॉपिंग करने गई भी तो कुछ अच्छा लगा ही नहीं, सूट अपनी साइड जैसे है ही नहीं इधर,
कुछ खास नहीं लगा, तो इसलिए मैं कोई सूट नहीं लेती। तो हाँ जी, यहाँ के ना छोले भटूरे बहुत स्वाद थे, ये तो हमने खाए हैं, बहुत ही टेस्टी है। सुबह सुबह तो फ्रेश बना हुआ था, शाम तक तो फिर भी ये गर्म कर करके काला पीला हो जाता है। कलर भी इतना बेस्ट था, बहुत ज़्यादा उस टाइम में मैंने वीडियो नहीं बनाई, लोग बहुत से मांग, इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ छोले बहुत मस्त। तो निकलते हैं, हाईवे पर चढ़ जाते हैं, ये हमारे हाईवे रहा। कुरुक्षेत्र की यात्रा में आपका धन्यवाद है। नगरी में कुरुक्षेत्र की सीम में आ गए हम। होटल है या? अच्छा जी, ग्रेट ग्रीन ढाबा, ग्रेट थली, ग्रेट देखो भाई, देखो ऐसे पहलवान का WWE है ना। अरे चल गई हवेली, हम दिखाना। अरे बोलो, स्पीड तो कम है। हाँ यही तो, ये भी घूमने की जगह है वैसे था ना। अच्छा है यार, अंदर से तो होटल आटल बहुत अच्छा है, बिल्कुल सुंदर है। अरे वाओ, ये वाटर पार्क है क्या? बाहर का सीन कितना अच्छा है। अच्छा, कुछ खाया पिया अभी तक क्या? वैसे रोके थे। अच्छा देखो, वाटर पार्क मस्त है, झूले तो ऐसे, पर बाहर का सीन बहुत अच्छा है, नहीं बड़ा है ये तो।